गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विनय और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं आपको लेके आया हूँ उत्तराखंड, और उत्तराखंड में है ये हमारा दूसरा दिन। पहले दिन हमने आया यहाँ करीब दोपहर 2 बजे पहुँचे, हमने रेस्ट किया, थोड़ा चिल मारा, बहुत ही अच्छा होटल था हमारा, तो दोनों तरफ से व्यू देखा, सनसेट इन्जॉय किया, जो कि भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आगे आप फुटेज देखेंगे उसकी। और आज हम जाने वाले हैं रानीखेत, और रानीखेत में आप देख सकते हैं कि हम एक छोटी सी जगह पर रुके हैं, वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पे रुके हैं दोस्तों। और इस दूसरी तरफ का नज़ारा देखें, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, दूर दूर तक सिर्फ हील्स ही दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम जाने वाले हैं दोस्तों रानीखेत। रानीखेत के मिडवे में है, करीब 20-25 मिनट दूर है रानीखेत से। और रानीखेत की बात बताऊँ तो रानीखेत बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें। और एक और ख़ास बात है कि वहाँ पर गांधी जी भी रुके थे, तो एक हिस्टोरिकल जगह भी है और कुछ कुछ अच्छे मंदिर भी हैं। तो इन सबको चीज़ें दिखाऊंगा, कहाँ घूमना है, क्या करना है, रानीखेत है कहाँ कहाँ जाना है, तो आइए चलते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए रानीखेत से 3-4 किलोमीटर पहले ही हैं, और यहाँ पे ये बहुत ही पुराना वो यहाँ पे गोल्ड ग्राउंड है, आर्मी कुमाऊँ रेजिमेंट का ही है शायद, ये 1800s में बनाया था ब्रिटिशर्स ने, तब का है ये, तब का। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग दिख रही है छोटी सी, और ब्रिटिश स्टाइल में ही उसको रेडी किया गया था। और ये पूरा गोल्ड कोर्स है, वहाँ दूर दूर तक आप देख सकते हैं दिख रहा है, बहुत ही, दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एक्चुअली गोल्ड कोर्स इन इंडिया, और देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, यहाँ पे व्यू भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप अगर रानीखेत आ रहे हैं तो पहली जगह आप यहाँ पर रुक सकते हैं, विच इज़ प्लेस रानीखेत से 4-5 किलोमीटर पहले ही है, तो बहुत ही अच्छा जगह है और देखने में भी, व्यू में भी बहुत ही सही लग रहा है, सो इट कैन, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इफ़ आई कैन शो यू गाइस, ये नो ड्रोन फ्लाइंग जोन भी है, क्योंकि यहाँ पे गोल्फ खेला जाता है, समबडी इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू प्ले गोल्फ, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा गोल्फ कोर्स है और पूरा मेडो है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड आगे चलते हैं, अब दूसरी जगह पे देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों, अभी हम रानीखेत के दूसरी जगह पे आ गए हैं, जो कि है रानी झील, और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी झील है, मैन मेड लेक है ये, पूरा कंटेनमेंट एरिया है, उसके बीच में इसको बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है, और आसपास की ग्रीनरी भी काफ़ी सही है, तो अच्छा लग रहा है। और ये बुड्ढी के बाल खाए हैं, बहुत सही है। दूसरी जगह आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, और इसका प्राइस पता नहीं, पूछना पड़ेगा, बट ये कर सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी जगह, बट काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे, आप देखिए वॉक वे भी है, तो आप अगर ये भी नहीं करना चाहते तो यू कैन टेक अ वॉक और चिल कर सकते हैं यहाँ पे आके पूरी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आके। तो चलिए हम भी चलते हैं और बोटिंग करते हैं, आइए दोस्तों अभी चलते हैं रानी झील। यहाँ पे अभी इस मौसम में भी काफी सूखे हैं, उनके बावजूद भी दोस्तों इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, और पूरा वैसे झील भरा तो नहीं है, बट थोड़ा सा छोटा सा झील है, आप अगर जाके बोटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, वाटर रोलर हैं, बच्चों के लिए खेलने की भी जगह है, तो इट इज़ क्वाइट नाइस, चिल, पीसफुल प्लेस, आएँ यहाँ पे, आप थोड़ा वॉक करें, घूमें फिरें, तो अच्छी जगह है दोस्तों। ये देखिए अभी हम वॉक कर रहे हैं रानी झील के अराउंड, आइए चलते हैं, देखते हैं कितना ग्रीनरी है, देखें बहुत ही अच्छे से बनाया, और साथ ही साथ मेनटेन भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया, सो इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, सी बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे बस आप बैठें, बुक लेके बैठें, चिल करें, अपनी पसंदीदा गाने सुने। तो दोस्तों अभी अभी हम वॉक कर रहे हैं रानी झील में, अभी आप देख सकते हैं अमन है, शमा है, आमिर है, सौम्य है और यशमिता है, से हाय गाइस, हाय, हेलो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो थोड़ा वॉक ले रहे हैं, और उम्र ऐसी हो चुकी है जिसमें वॉक लेना बनता है, थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लेने चाहिए वरना बंद हो जाता है चलना,
और बिना टिकट एक्टिविटी करने पर 500 जुर्माना, स्पेशली आमिर के लिए लिखा गया है कि यहाँ पे ऐसे कुछ एक्टिविटी ना करें। तो इट्स अ नाइस प्लेस वॉक करने के लिए, मज़ा आ रहा है, चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं रानीखेत में तीसरी जगह, जो कि है KRC म्यूज़ियम, यानी कि कुमाऊँ रीजनल सेंटर म्यूज़ियम। यहाँ पे कुमाऊँ रेजिमेंट के जो जवान हैं उनके बारे में, उनके इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के दौरान जो भी काम किया गया उनके बारे में, और नागा हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी देखने को मिलती है। तो इस म्यूज़ियम को हम विज़िट करने वाले, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह पर बनाया गया है, पूरी व्यू देखेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस तरफ आप देखें तो सामने ही आर्टिलरीज देख सकते हैं, सब पुराने और सब ओरिजिनल हैं जो यहाँ पे रखे गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वेदर तो है ही अच्छा, तो इस वजह से और भी ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। ये पूरा म्यूज़ियम है, आप टाइमिंग देख लीजिए समर में और विंटर में टाइमिंग, ये देखिए एंट्री के टाइमिंग्स है दोस्तों। यहाँ पे हॉलीडेज ऑन ट्यूसडे को बंद रहते हैं, रेस्ट ऑफ द डे इट्स ओपन, सो इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अभी दोस्तों हम अंदर जाने वाले हैं और देखते हैं यहाँ का। तो यहाँ पे दोस्तों एडल्ट्स के लिए 75 रुपीज़ है एंट्री टिकट, और चाइल्ड के लिए 50 रुपीज़ है। तो अभी हम जाने वाले हैं, देखने वाले हैं, लेकिन फोटोग्राफी दोस्तों अंदर से अलाउड नहीं है, तो मैं ये नहीं दिखा सकता कि अंदर क्या क्या होगा, बट आप यहाँ ज़रूर आइए। तो फ्रेंड्स हमने ये पूरा एक म्यूज़ियम घूम लिया है, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम था, और अगर आप पूरा अच्छे से देखना चाहें तो आराम से 2-3 घंटे लेके देखें। पूरा कुमाऊँ हिस्ट्री और नागा का हिस्ट्री दिखाया गया है, यहाँ पे कुमाऊँ का लोगो भी लगा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा था। और अभी बाहर सिर्फ आप आर्टिलरी वगैरह देख सकते हैं, और जो हमारे गाइड अंकल थे उनका प्रेजेंट भी किया, बहुत ही अच्छे तरीके से किया, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे, और अगर आपको दिख रहा हो तो मैं दिखा दूँ दोस्तों, चांद भी दिख रहा है ऊपर से, ये देखिए। तो वेदर क्लियर है, पहाड़ों का यही मज़ा है। ये देखिए यहाँ पे भी एक आर्टिलरी है जो कि बहुत ही अच्छी है, ये पूरा कैंट एरिया है दोस्तों, यहाँ पे ही म्यूज़ियम को रखा गया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर आप रानीखेत आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा। तो दोस्तों अभी हम हमारे रानीखेत में लास्ट पॉइंट में आ गए, विच इज़ ऑल्सो फोर्थ पॉइंट, जो है सनसेट पॉइंट। 7 स्टोन्स कैफ़े है यहाँ पे, और यहाँ से बहुत ही अच्छा सनसेट दिखता है, इसलिए हम आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है, और मैं दिखाता हूँ सनसेट को, ये दिख रहा है। अभी हम थोड़ा नीचे जाने वाले हैं, देन विल सी कि वहाँ से भी लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ से देखते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों तो ये है वो स्पॉट, सनसेट स्पॉट, यहाँ पे आप रॉक्स वगैरह हैं यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है व्यू, आइए देख सकते हैं ऊपर से। ये है दोस्तों सनसेट पॉइंट यहाँ से रानीखेत का, आप देख सकते हैं दूर दूर तक दिख रहा है, और नीचे गांव दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो यहाँ पे आके आप अपना सनसेट इंजॉय कर सकते हैं, आ सकते हैं, चिल मार सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे दूसरे दिन का, आज हमने पूरा रानीखेत घुमा, कई जगहों पे गए, बहुत ही मज़ा आया। और ऐसे ही ट्रैवल कंटेंट के मेरे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल बिना यहाँ वर्क फॉलो करना ना भूलें दोस्तों।